जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, बेसिकली ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का, दिस इज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो लेट मी एलेबोरेट यू शॉर्टली कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है, और उसके बाद हम इसकी आगे नेक्स्ट टाइप्स वगैरह कुछ देखेंगे। ठीक है, बेसिकली चार तरह की टाइप्स हैं जो नेक्स्ट आपको स्लाइड के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की दिखाई जाएंगी। हाउएवर इन द आउटसेट लेट मी एक्सप्लेन यू कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है, ये बिजनेस निसेसिटी क्यों है, और अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट से आप क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या गेंस और माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली एचआर के पर्सपेक्टिव से। आई विल एलेबोरेट इट विद द रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। जैसे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर दोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। बेसिकली चेंजेस होती ही तब हैं जब वो किसी माइनर नहीं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखते हुए उस पर जो इम्पैक्ट कर रही होती हैं उन्हीं को हम बेसिकली मेजर शिफ्ट या चेंज। जैसे वो कहता है कि मेजर शिफ्ट टू योर पर्सनल आर योर कंपनी गोल्स आर सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग एंड ऑपरेशंस, इन्हीं फील्ड्स के अंदर बेसिकली मेजर चेंजेस की जाती हैं। दे वुड ऑल बी कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, या जो मेजर चेंजेस जिन डोमेन्स में की जाती हैं। इट इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी, डेफिनेटली इसको हम आगे जॉट डाउन करते जाएंगे। कहते बिफोर यू कैन डिज़ाइन योर चेंज मैनेजमेंट गेम प्लान, डिटरमिन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यू विल बी मेकिंग। डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या IT की सर्विस प्रोवाइडिंग, या कोई और हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्पस के लिए काम कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए भी जो चेंज मैनेजमेंट प्लान होगा वो अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। जैसे वंस यू फिगर आउट दैट यू कैन एग्जीक्यूट द राइट चेंज मैनेजमेंट प्लान फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग टाइप कब, फिर नोइंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विल ऑल्सो हेल्प यू चूज़ द राइट चेंज मैनेजमेंट टूल्स। वही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, एक जैसे मैंने आर्म फोर्सेस की थ्रू एग्जांपल दी है, रिक्रूटिंग और सिलेक्शन से रिलेटेड भी जब हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। जैसे इम्पॉर्टेंट है क्यों ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, या चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग, ये जो आपने यू माइट बी वेल अवेयर विद दो सेंटेंसेस। जैसे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ अ बिजनेस निसेसिटी, निसेसरी इवन फॉर अ बिजनेस, एम्प्लाइज लीव एंड न्यू एम्प्लाइज आर हायर्ड, वी नो दिस वेरी वेल, न्यू टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एज द कंपनी ग्रोज एंड बिजनेस अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। वो जो आपका प्रोग्रेस कर्व है उससे, उसको बेंच मार्क को मीट करने के लिए और उस कर्व से अहेड रहने के लिए, जिस तरह आपने यू माइट बी अवेयर विद इन डिफरेंस कर्व, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, तो हायर कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन चेंज आप क्या करेंगे, ये बिजनेस निसेसिटी है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपको पता है एम्प्लॉयज लीव्स एंड न्यू एम्प्लॉयज आर दे आर ऑल्सो हायर्ड, न्यू डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं और बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाते हैं। यहाँ पे हम एक मिसाल देंगे आगे ऑनलाइन जो है बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज की ही। सो आपको सक्सेस कर्व से अहेड रहने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ एन निसेसिटी, यू हैव टू मेक यू नो सेवरल चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द कंटेम्प्ररी काउंटर पार्ट्स। द की टू सक्सेसफुल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज द वे यू मैनेज, डेफिनेटली इट्स वाइटल टू कीप एम्प्लॉयज इन लूप एंड एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड वट द चेंज हैं क्या क्या, और किस तरह से एम्प्लॉयज के ओवरऑल HR और वर्क लाइफ बैलेंस पे अफेक्ट कैसे करेंगे बेसिकली। सो विद अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट यू कैन कीप द बिजनेस रनिंग स्मूथली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, जब एक कंपनी एक से दूसरी फेज में दाखिल हो रही होती है। वाइल ऑफरिंग ट्रेनिंग ऑप्शंस डेफिनेटली विच हेल्प एम्प्लॉयज लर्न न्यू टेक्नोलॉजी फास्टर, डेफिनेटली दिस इज अ प्रूवन रियलिटी।